बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आपका होस्ट कावर याद है, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर, लेक्चर नंबर 10 में मैंने आपको बताया था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट के तीन डिपार्ट होते हैं। पहला होता है रिसीविंग, दूसरा होता है प्रीप्रेसिंग, तीसरा होता है एक्सट्रैक्शन सेक्शन। तो लेक्चर नंबर 10 में मैंने आपको रिसीविंग के बारे में बताया था कि कौन सी सीड को कैसे रिसीव करना है, मतलब कनोला सीड को आप कैसे रिसीव करेंगे, कॉटन सीड को आपने कैसे रिसीव करना है, सोयाबीन सीड को आपने कैसे रिसीव करना है, और क्लीनर का क्या काम होता है, डिलेंटिंग मशीन का क्या काम होता है, डिहलिंग मशीन का क्या काम होता है, और क्रैकिंग मशीन का क्या काम होता है। अब ये सारे सीड हम रिसीव कर लेंगे, इनकी सारी रिसीविंग कर लेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट में, वो आता है प्रीप्रेसिंग सेक्शन, PRP। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है और प्री प्रेसिंग के हवाले से है। तो नाज़रीन, जब ये सारे सीड हम रिसीव कर लेंगे, आगे जो प्रोसेस है वो सारी सेम मशीनें होंगी, सब सीड पे जितने भी आप सीड चलाएंगे, जो मार्केट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होंगे, सब के जो मशीनें, सब की मशीनें सेम होंगी तकरीबन। तो सबसे पहले जो मशीन आएगी वो फ्लैकिंग मशीन आएगी, फिर आएगी कुकिंग मशीन आएगी, फिर प्रेसिंग मशीन आएगी। प्रेसिंग मशीन में प्रेस मशीनें भी होती हैं, एक्सपेलर मशीनें भी होती हैं। तो प्रेस मशीन से जो केक निकलेगा वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट की तरफ जाएगा, जो ऑयल होगा वो आगे हम सेटलिंग टैंक की तरफ जाएगा, और सेटलिंग टैंक के बाद हम उसको स्टोर कर लेंगे, स्टोर के बाद हम उसको फिल्ट्रेशन कर लेंगे ऑयल को, और ऑयल की फिल्ट्रेशन के बाद हम उसको रिफाइनिंग प्रोसेस की तरफ भेजेंगे। तो आज मैं आपको प्रीप्रेसिंग सेक्शन में मैं आपको बताऊँगा कि फ्लैकिंग मशीन क्या काम करती है, ये क्यों ज़रूरी है, और ये कैसे काम करती है, और कुकिंग मशीन क्यों ज़रूरी है, या कैसे काम करती है और ये क्यों ज़रूरी है, प्रेसिंग मशीन में एक्सपेलर मशीनें क्या हैं, प्रेस मशीनों की कैपेसिटी क्या होती है, कैसे केक बनाती है, कैसे आयल निकालती हैं, सेटलिंग टैंक का क्या काम है, और फिल्ट्रेशन का क्या काम है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको प्रीप्रेसिंग सेक्शन में बताऊँगा, आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11 में। ये सारे सीड मैंने मिसाल के तौर पर लिखे हैं, वैसे आप एक ही वक्त में एक सीड चला सकते हैं, कोई भी सीड, जो कनोला सीड चलाएंगे तो एक कनोला सीड चलाएंगे, कॉटन सीड चलाएंगे तो कॉटन सीड ही चलाएंगे, ये सारे सीड एक दफ़ा नहीं चला सकेंगे, ये वैसे मिसाल के तौर पर मैंने लिखे हैं। अगर आपको ये सीडों की सीड की रिसीविंग करनी, रिसीविंग थोड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन आगे जो प्रोसेस वो सबका सेम प्रोसेस है, सीड आप एक ही चलाएंगे एक वक्त में। तो नाज़रीन, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मशीन है हमारी ब्लैकर मशीन है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये ब्लैकर मशीन होती है। तो नाज़रीन, रिसीविंग सेक्शन के बाद सीड जब प्रीप्रेसिंग सेक्शन की तरफ आएगा, तो प्रीप्रेसिंग सेक्शन में पहली मशीन है वो है फ्लैकिंग मशीन। तो फ्लैकिंग मशीन को मैंने, फ्लैकर मशीन को मैंने सादा सी डायग्राम में भी आपको समझाऊंगा, और फिर मैं एंड में इसकी आपको वीडियो भी दिखा दूंगा, वीडियो में भी समझा दूंगा। तो सादा सी ये डायग्राम मैंने बनाई है, इसके अंदर दो रूल लगे होते हैं और जो दो मोटरों से कनेक्ट होते हैं बेल्टों के ज़रिए, एक जो रूल है वो क्लॉकवाइज चलेगा, दूसरा रूल चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, और ये दोनों रूल आपस में जो कनेक्ट होंगे, जुड़े भी होंगे, वो होंगे हाइड्रोलिक की मदद से। हाइड्रोलिक की मदद से हम इसको रूल्स को आपस में टाइट करेंगे, ताकि ये एक दूसरे से जुदा ना हो, बिल्कुल मिलकर एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज चले। जब इसमें से हम सीड पास करेंगे, तो सीड जो भी शेप में होगा, पहले जिस मर्ज़ी साइज़ का होगा जिस मर्ज़ी शेप में होगा, जब वो एंड में निकलेगा तो वो चिपटा हो जाएगा। एक अच्छा फ्लैक्स आप उसकी जो मोटाई रखें 0.2 mm से 0.3 mm तक आप फ्लैक्स बनाएं, ये गुड फ्लैक्स है। अच्छा फ्लैक्स की निशानी ये है कि वो 0.2 mm से 0.3 mm तक का होना चाहिए, इतना ज़्यादा मोटा ना हो, क्योंकि आगे आपने जो अगर अच्छी उसमें आयल की रिकवरी लेनी है या मील लेना है अच्छा, तो आपको 0.2 से 0.3 mm तक का फ्लैक्स चाहिए। तो नाज़रीन, ये इसकी थी डायग्राम। तो अब मैं आपको ये बताऊं कि हम इसको फ्लैक्स करते क्यों हैं, फ्लैकर आखिर हमने सीड को करना क्यों है। सीड के अंदर जो सेल्स होते हैं, जिनके अंदर आयल होता है, सीड के सेल्स के अंदर खुली है, खुलियों में जो आयल होता है, तो वो तकरीबन जो खुलियों का जो साइज़ होता है जिसके अंदर आयल होता है, वो होता है 8 microns के बराबर, 8 microns। एक जो माइक्रोन होता है 1 × 10⁻⁶, ये 1 micron होता है। अब ये 8 microns है, 8 × 10⁻⁶, मतलब बहुत ही छोटे खुली होते हैं, उसके अंदर ये आयल पैक होता है, और आम आँख से हम देख भी नहीं सकते। तो इसको रैप्चर करने के लिए, सेल्स को रैप्चर करने के लिए, और इसके अंदर जो बूंदें हैं आयल की, जो ड्रॉप्स हैं, उनको बाहर निकालने के लिए हम फ्लैक्स करते हैं सीड को। जब हम सीड को फ्लैक्स कर रहेंगे, तो सीड की जो सेल वाल है, सेल मेम्ब्रेन है, पहले वो रैप्चर होगी, उसके बाद जो सेल्स के खुली हैं वो भी रैप्चर हो जाएंगे, और हम आसानी से उसको एक्सपेलर मशीनों में उसमें से आयल ले लेंगे। तो मज़ीद, अगर हम फ्लैक्स सीड को फ्लैक्स ना करें, बगैर फ्लैक्स के उसको एक्सपेलर मशीनों की तरफ भेज दें, तो एक्सपेलर मशीनें उसमें से आयल तो निकाल लेंगी, लेकिन कुछ सीड के पार्टिकल्स उसमें मौजूद रहेंगे। वो सीड के पार्टिकल्स जब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट की तरफ जाएंगे, वहाँ हम हेक्सेन इस्तेमाल करते हैं, केक के ऊपर शावरिंग करते हैं, उसमें से आयल निकालते हैं, वो मैं आपको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट में बताऊँगा कैसे करते हैं। तो वो हेक्सेन की खासियत है, वो पाउडर में से आयल निकालती है,
सीड में से, जो सीड को हार्ड पार्टिकल्स होता है, जो हार्ड और सख्त पार्टिकल्स होता है, उसमें से ऑयल नहीं निकाल सकती। एंड रिज़ल्ट वो सीड मील के अंदर चला जाएगा, जिससे आपकी मील की क्वालिटी भी ख़राब हो जाएगी और मील में ऑयल भी बढ़ जाएगा और ऑयल की आपकी जो रिकवरी है वो भी कम हो जाएगी। तो इसलिए फ्लैक्स करना भी, फ्लैकर सीड को फ्लैक करना भी बहुत ज़रूरी है। बाद सीड ऐसे, जैसे मिसाल के तौर पर काटन सीड है, काटन सीड के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं गॉसिपोल। गॉसिपोल एक फैक्टर है, वो जहरीला पिगमेंट है, ये माइकोटॉक्सिन टॉक्सिन क्रिएट करता है। तो इसको, इसका असर कम करने के लिए भी फ्लैक्स करना बहुत ज़रूरी है। जब हम इसको फ्लैक्स करेंगे, इसका जो साइज़ होता है तकरीबन ये 2 माइक्रोन का होता है, तो इसका खुली का साइज़ होता है इसका, तो ये 2 माइक्रोन साइज़ के बराबर होता है जो पिगमेंट होता है कॉटन सीड के अंदर होता है। ये कॉटन सीड के अंदर होता है ये गॉसिपोल, ये 2 माइक्रोन का होता है। जब इसको हम फ्लेक्स करें तो इसका खुलिया भी जो सेल्स है वो रैप्चर हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसको जब हम हीट देंगे कुकर में, तो इसका जो असर है एंटी जो टॉक्सिन लेवल है इसका, वो कम हो जाएगा। तो कॉटन सीड के लिए ये बहुत ज़रूरी है अगर आपने उसका मील बनाना है। तो उसके बाद अब जब फ्लैकिंग मशीन से पहले सीड का जो सरफेस एरिया था वो कम था, जब हमने फ्लैक्स बना लिए तो उसका जो सरफेस एरिया है वो 4 से 6 टाइम सरफेस एरिया उसका इंक्रीज़ हो जाता है, 4 से 6 टाइम। तो उसका फ़ायदा ये है कि जब हम इसको कुकिंग की तरफ लेके जाएंगे तो जो हीट है इसके हर खुलिए में बराबर की हीट पड़ेगी। तो इसका ये भी एक फ्लैक्स करने का फ़ायदा है हमें। तो आप ये वीडियो में आप देख सकते हैं, ये आप वीडियो में देखें कि ऊपर सबसे पहले हम इसको फीड कर रहे हैं, जो सीड है उसको हम इसके अंदर फ्लैक्स मशीन के में इंटर कर रहे हैं। उसके बाद ये 2 बड़े बड़े रूल्स लगे हुए हैं और ये 2 मोटरों के साथ कनेक्ट हैं। तो इन दोनों रूल्स को हम आपस में टाइट रखने के लिए हाइड्रोलिक पंप आप देख रहे हैं, हाइड्रोलिक की मदद से इसको हम जोड़ के रखेंगे। अब ये सीड ऊपर से इंटर हुआ, अब नीचे से आप ये देखें फ्लैक्स किस तरह ये सीड चिपटा हो गया है। तो ये इसकी वीडियो थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मशीन की तरफ, वो है हमारी कुकर मशीन। कुकर मशीन क्या काम करती है, वो कैसे काम करती है और ये क्यों ज़रूरी है।